दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, माते शक्ति को नमन। विशेष मनमोहक महान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुनर्जागरण, पतन से उत्थान की ओर जाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अविकास से विकास की ओर जाना, इसीलिए चैनल 24 प्लस न्यूज ने यह खास विशेष कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। इसमें प्रतिदिन ऐसे ऐसे एपिसोड्स दिखाए जाते हैं जिससे हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है, जीवन को हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम सही रास्ते की ओर जाते हैं। तो आज इसी क्रम में हम एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिससे हमको मालूम होगा कि ये सारी सृष्टि का संचालन किस तरीके से होता है, इस सृष्टि का नियंता कौन है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो विषय लिया गया है ये दादा भगवान के वीतराग विज्ञान से लिया गया है। वैसे दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सर्वज्ञ का नाम है, एक शुद्ध आत्मा का नाम है, जो कि विशुद्ध रूप से जिन्होंने एक फिलोसॉफी दी और उस फिलोसॉफी को मानने वाले आज पूरे विश्व के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग हैं। उनका मैं थोड़ा बाह्य परिचय देना आपको चाहूंगा कि A.M. पटेल नाम के एक व्यक्ति भारतवर्ष में बड़ौदा के अंदर 1908 में उन्होंने जन्म लिया और वे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। बड़े बड़े ब्रिज बनाना, रोड बनाना, मकान बनाना, रियल इस्टेट के जो मल्टी जो कॉम्प्लेक्स बनाना, ऐसा कार्य करते थे, लेकिन हर कार्य में प्रामाणिक थे। अब मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ, जिसको कि बाबा आदम कहा जाता है, जिसको कि पुराण के अंदर और वेदों के अंदर भी बड़ा महान पुरुष के रूप के अंदर माना है और कहीं कहीं शिव के रूप में माना जाता है, उनके पुत्र भरत जी थे जो कि चक्रवर्ती थे और उन भरत जी के नाम से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो उनके कुल 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों ने ऋषभ भगवान ने 83 लाख वर्ष तक जो है राज्य का शासन भार संभाल करके और बाद के अंदर वो जैन साधु बन गए और 1 लाख वर्ष तक शुद्ध जैन साधुपन पाला। और आज हम इस सृष्टि के अंदर, ये बहुत पुरानी, युगों युगों पुरानी बात है, इस सृष्टि के अंदर हम जितनी व्यवस्थाएं देखते हैं, चाहे न्याय व्यवस्था है, चाहे ग्राम व्यवस्था है, चाहे विवाह की है, चाहे हमारी अग्नि के आविष्कार की है, जितनी व्यवस्थाएं आज हम देख रहे हैं वो सारी भगवान ऋषभ के समय में प्रारंभ हुई थी और 83 लाख वर्ष तक वो राजा रह करके उन व्यवस्थाओं का उन्होंने पूरा जो है वो प्रारंभ किया था। तो उनके पुत्र भरत जी एक शासन करने वाले अकेले रहे, 99 पुत्र साधु बन गए। तो भरत जी ने अपने पिता भगवान ऋषभ से कहा कि 99 मेरे भाइयों का तो आप उद्धार करोगे, उन्हें मोक्ष भेजोगे, मेरा क्या होगा? तब भगवान ने ऋषभ ने बताया कि तुम इसी तरीके से शासन करते हुए तुम्हें एक ऐसा वीतराग विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा मोक्ष विज्ञान तुम्हें बताता हूं कि जिसका परिपालन करके तुम भी मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाओगे। और जो उनके पुत्र जो है और भगवान ऋषभ जो स्वयं क्रमिक मार्ग का अनुसरण करते थे, क्रमिक का अर्थ होता है कि श्रावक व्रत के बाद के अंदर साधु जीवन को स्वीकार करना और साधु जीवन में धीरे धीरे त्याग से, पचकान से, सामायिक से, संवर से, निर्जरा से है, धीरे धीरे क्रमिक आत्मा की शुद्धि करना स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो विज्ञान उन्होंने भरत जी को दिया वो अक्रम विज्ञान था, स्टेप बाय स्टेप नहीं था, वो एक लिफ्ट रूप में था, एक फ्लाइट के रूप में था, एक सीढ़ी के रूप में था, एक लॉन्ग जंप के रूप के अंदर था, यानी एक कृपा,
ये कृपा का मार्ग जो है भगवान ऋषभ ने उनके पुत्र भरत को बताया, उसका नाम हुआ अक्रम विज्ञान, वीतराग विज्ञान। ऐसा बताया जाता है कि जो ए एम पटेल, जो कि बाद के अंदर दादा भगवान बने, ये भरत जी के समय से उनका जीव उनके साथ था और उन्होंने उस समय अकर्म विज्ञान का जो है पालन किया था और स्ने स्ने कई कई युगों युगों तक वो जन्म लेते लेते जो है अब ये 1908 के अंदर ए एम पटेल अंबालाल मूल जी पटेल के रूप के अंदर बड़ौदा के अंदर जन्म लिया और 1958 यानी कुछ ही अभी समय पूर्व जो है उनको 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 एक बड़ा ज्ञान हुआ है, उनको भेद विज्ञान हुआ है, उसी का नाम अकर्म विज्ञान है। और अकर्म विज्ञान के अंदर ऐसा बताया जाता है कि केवली बनने से सर्वज्ञ बनने के अंदर केवल वो 4 डिग्री बाकी रह गए थे, 356 डिग्री का ज्ञान उनको हो गया था और अगर 360 डिग्री का पूरा ज्ञान होता तो वो भी सर्वज्ञ बन करके और महाविद्या क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्षकामी हो जाते। लेकिन उनके जीवन में ये तड़प थी कि मुझे अकेले मोक्ष नहीं जाना है, मुझे सबको साथ लेकर के सबको मोक्ष भेज करके मैं मोक्ष जाऊंगा। इसीलिए इनको दादा भगवान वो खटपटिया सर्वज्ञ कहते हैं कि दूसरों के प्रति उनकी बहुत संवेदना थी, जगत कल्याण की बहुत बड़ी भावना थी, तो इसीलिए उन्होंने जो है लोगों के कल्याण के लिए यह वीतराग विज्ञान का प्रचार किया। पहले उनको ये विज्ञान हुआ, ये ज्ञान होने के बाद के अंदर 1958 में हुआ तब उन्होंने इसकी घोषणा की। उस वक्त लोगों ने विज्ञान को समझा नहीं, उन्होंने खूब परिश्रम करके लोगों को अपने पास में बुलाया और उनको बताया कि मुझे इस तरीके का ज्ञान हुआ है, तुम भी इसका पालन करो और 3 भव के अंदर जो है ये साधना अगर शुद्ध रूप से करते हो तो सिमंदर स्वामी के चरणों में महाविद्या क्षेत्र, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ये भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान में सर्वज्ञता नहीं है, वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन महाविद्या क्षेत्र के अंदर जहां पर तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे भरत क्षेत्र का, उनके पास में ये सर्वज्ञता अभी खुली है और मोक्ष वहां पर खुला है, वहां पर जन्म लेकर के यहाँ का प्राणी वहां जाकर के और वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये लोगों को सारी बात बताई, लेकिन ये बात लोगों के गले नहीं उतरी। तो जब उन्होंने खूब परिश्रम किया और थोड़े समय के बाद के अंदर 1958 के बाद के अंदर लोग धीरे धीरे 61 में 62 के अंदर 65 में लोग जुड़ते गए तो उन्होंने पूरी एक दर्शन दिया। उस दर्शन की जो 5 आज्ञाओं के हम उस दर्शन के बारे में वीतराग विज्ञान के बारे में विस्तार से जो है विवेचन कर रहे हैं, उसमें से उन्होंने 5 आज्ञाएं दी। पहली आज्ञा यह है कि निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं, चिंतन करो कि ये जो मेरी आत्मा है शुद्ध आत्मा है, ये भगवान राम के जैसी शुद्ध आत्मा है, ये भगवान कृष्ण के जैसी शुद्ध आत्मा है, ये भगवान ऋषभ के जैसी शुद्ध आत्मा है, ये भगवान सिमंदर स्वामी की जैसी शुद्ध आत्मा है, ये दादा भगवान जैसी शुद्ध आत्मा, ऐसा चिंतन करो और जगत के सभी प्राणियों के अंदर जो जीवित प्राणी है उनमें वही शुद्ध आत्मा का अनुभव करते उनको नमन करता हूं, उनको अनुभव करता हूं, उनको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनका आदर करता हूं। और दूसरी आज्ञा उन्होंने दी व्यवहार जगत की कि व्यवहार दृष्टि से अपना नाम, व्यवहार दृष्टि से मैं सोवन राज हूं, मैं देहधारी हूं, मैं नामधारी हूं और इस पैकिंग के रूप के अंदर जो है ये मेरा शरीर है, ये दूसरी आज्ञा हो गई। तीसरी आज्ञा जिसका कि आज मैं विवेचन करने जा रहा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, इस जगत को चलाने वाला है वह व्यवस्थित शक्ति है, संयोग है, वो संयोग मिलकर के इसको जगत को चलाता है और वही इसका करता है, मैं करता नहीं हूं।
मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, जगत का नियंता व्यवस्थित शक्ति है, उन संजोगों में से जो संजोग इस जगत को चला रहे हैं मैं भी उसमें से एक संजोग हूं, और कर्ता बनने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कर्ता मैं बन ही नहीं सकता, उन संजोगों में से संजोग हूं, उन निमित्तों में से एक निमित्त हूं। और चौथी आज्ञा उन्होंने जो बताई वह यह थी कि फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। फाइल का अर्थ होता है जैसे शरीर है वो पहली फाइल गिनी जाती है, और मनुष्य अगर ग्रस्त है तो उसके पास के अंदर सबसे नजदीक रहने वाला उतनी उसको रहने वाला उसकी पत्नी होती है वह दूसरी फाइल है, तीसरा उसकी संतान होती है तीसरी फाइल है, और चौथा उसके कुटुंब के लोग होते हैं वो चार नंबर की फाइल है, फिर उसके बाद के अंदर जिसके साथ काम करते हैं वो कर्मचारी है, दूध वाला है, सफाई वाला है, वो अलग 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 व्यक्ति रूप के अंदर फाइलें बन जाती है। तो उन वो व्यक्ति जो हमारे साथ में व्यवहार करते हैं उनका संभाव पूर्वक निपटारा करना, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे से किसी भी तरह का व्यवहार करे, राग द्वेष युक्त व्यवहार करे, लेकिन हम समता भाव में रह करके उन फाइलों के अंदर जो कुछ भी है वो शांति से निपटारा करना। और पांचवी फाइल है शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना। और इन पांच आज्ञाओं के आधार पर जो है वो दादा भगवान ज्ञान देते हैं, ये कृपा का मार्ग है और कृपा से मिलता है, ये अकर्म विज्ञान है और कृपा से जो है ये ज्ञान मिलता है। सत्प्रोति प्रत्यक्ष दादा भगवान प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष कहे जाते हैं, और वर्तमान में उनके स्थान पर कनु दादा जो बड़ोदरा में विराजते हैं वो प्रकट ज्ञानी पुरुष के रूप के अंदर है। तो ये ज्ञान दिया करते हैं, ये ज्ञान देकर के और हमारा जो मन वचन काया है उसको डिसॉल्व कर देते हैं, हमारे अहंकार को डिसॉल्व कर देते हैं, कषाय को डिसॉल्व कर देते हैं। कषाय समाप्त होने के बाद के अंदर नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और उस ज्ञान की अग्नि से जैसे कि अग्नि से जो है वो पानी भाप बन जाता है, भाप बन करके वह उड़ जाता है, तो उस ज्ञान की अग्नि से जो हमारे कषाय के जो हमें ज्ञानावरणीय हमारे हमें ज्ञान के आवरण वाले कर्म है वो सारे कर्म जो भस्मीभूत हो जाते हैं, और जैसे जमा हुआ बर्फ होता है, यानी हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो तो हमें निश्चित रूप से भुगतना ही है, वह डिस्चार्ज रूप के अंदर भुगत, यानी कहने का अर्थ यह है कि जैसे बैटरी चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, तो हमारे मन वचन काया की जो एक्टिविटी इस शरीर से चलेगी जो जीवन भर चलेगी वो सारा डिस्चार्ज है, नया चार्ज ज्ञान लेने के बाद के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि ये सतपुरुष की कृपा का कारण है। कृपा के कारण जो है यह सारा जो है प्राप्ति होती है, और दो चीजें ज्ञान लेने के बाद मुख्य रूप से हो जाती है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे को कर्ता भाव समाप्त हो जाता है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता बनने से ही सब बातों का बंधन होता है, मैं और मेरा, कर्ता भाव समाप्त होते ही मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। जब मैं और मेरा समाप्त हो जाता है तो कर्मों का बंधन रुक जाता है, चार्ज रुक जाता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान लेने के बाद में फायदा होता है, और ये कृपा से होता है। और जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं सतपुरुष से, प्रकट ज्ञानी पुरुष से, जब तक उनकी कृपा को हम प्राप्त नहीं करते हैं तब तक जो है हमें पांच आज्ञाओं का पूरा खुलासा नहीं होता है, उसकी प्रतीति नहीं होती है, उसका अनुभव नहीं होता है। और ये दादा भगवान का वीतराग विज्ञान है, यह वीतराग विज्ञान जो है वो हमारे आत्मा की कलुषता को मिटाने वाला है, आत्मा के आवरण को मिटाने वाला है, और हमारा कल्याण करने वाला मार्ग है। तो इस तरीके से ये सारा जो है इस विज्ञान के बारे में पांच आज्ञाओं का है, और इसके साथ साथ में व्यवहार रूप में दादा भगवान ने पांच चीजें और बताई। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद के अंदर हमें हमें दोष दिखाई देने लग जाते हैं, यानी
एक तो बुद्धि होती है, बुद्धि किसे कहती है कि बुद्धि ये अच्छा बुरा उसका भेद करवाती है, और दूसरा क्या है अशांति पैदा करती है, और दूसरा क्या है कि हमें दूसरों के दोष जो है देखने के अंदर सहयोगी करती है, अपने दोषों का रक्षण करती है। ये बुद्धि के लेवल पर सामान्य व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद में प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा ये जो है हमारे हमारी मोक्ष की साधना की, हमारी शुद्ध आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, और प्रज्ञा जागृत होने के बाद के अंदर हमें बुद्धि से जो है अलग कर देती है और हर वक्त अपने दोषों को बताती है। इस थ्योरी की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दोषों को देखो, दूसरों के दोषों को देखना बंद करो, क्योंकि हमने जब से जन्म लिया है 84 लाख जीवा योनि के अंदर हम कई बार भटके हैं, उनके अंदर हमने कई किसी न किसी जीव के साथ के अंदर दोष किया है, किसी न किसी जीव को हमने दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है। इसीलिए दादा भगवान के वीतराग विज्ञान का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है, अपने दोषों को देखो और वो प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो। ये इसका मुख्य जो है सिद्धांत है, किसी को दुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा पाप है। अब अपने दोषों को हम किस तरीके से शुद्धिकरण करें उसके अंदर इस जो दादा भगवान के वीतराग विज्ञान के अंदर पूरी व्यवस्था दी गई है, वो व्यवस्था ये है कि सामायिक का संक्षिप्त में अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना और उसके बाद में आलोचना, अपने जो दोष देखे हैं उन दोषों का जो है स्वीकार करना वो आलोचना है, और तीसरी बात यह है कि उन दोषों को धोना वह प्रतिक्रमण कहलाता है, और प्रत्याख्यान जो दोष मैंने किए हैं पुनः मैं किसी तरीके से वो दोष वापस ना करूं ऐसा संकल्प करना, ऐसा अब सतपुरुष से जो है शक्ति मांगना, जागृति मांगना, कृपा के इस मार्ग के अंदर हर वक्त भगवान सिमंदर स्वामी से जो शक्ति, ऐसा कहा जाता है कि दादा भगवान का सीधा संपर्क है सिमंदर स्वामी से है, क्योंकि दादा भगवान वर्तमान के अंदर ये 1988 के अंदर देवलोक हुए थे और वर्तमान में इसी भरत क्षेत्र में 356 डिग्री के सर्वज्ञता के ज्ञान के साथ मौजूद है, और जो इनका स्मरण करता है उनको यह वीतराग विज्ञान की कृपा के द्वारा वीतराग विज्ञान देते हैं। इसीलिए इनके जो फॉलोवर्स है, इनके जो अन्यायी है, वो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, इस तरीके का वो जाप करते हैं और भगवान से, दादा भगवान से शक्ति मांगते हैं। वैसे दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान शुद्ध आत्मा का नाम है, उसे शक्ति मांगी जाती है और शक्ति मांग करके जो है हमारा कल्याण हो उसके बारे में प्रार्थना की जाती है, जागृति की प्रार्थना की जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं जो मुख्य जो अपना आइटम है आज, जो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, इसके बारे में बताना चाहूंगा दादा भगवान के दर्शन वीतराग विज्ञान के बारे में। ये जो सृष्टि जो है पंचभूतात्मक सृष्टि है, पृथ्वी है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा कॉस्मोस है, ये कैसे चल रहा है और इसको कौन चला रहा है। जैन दर्शन की भाषा में बात करें तो जैन दर्शन कहता है कि 6 कंपोनेंट है, धर्मास्तिकाय, काल, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये मिलकर के 6 सब्सटेंस मिलकर के इस सृष्टि को चलाते हैं, और उसको दादा भगवान ने इस रूप में कहा है कि संयोग मिलकर के इस सृष्टि को चलाते हैं, यानी जगत का नियंता जो है उसका नाम व्यवस्थित शक्ति दिया गया है, वही चलाता है। मैं करता हूं, मैं नहीं चलाता हूं, ऐसा कभी चिंतन नहीं करना
कि ये मकान मैंने बनाया और ये धन मैंने इकट्ठा किया और इस काम इस फैक्ट्री को चलाने वाला मैं हूँ और इस व्यवसाय को चलाने वाला मैं हूँ, देश को चलाने वाला मैं हूँ, ये अहंकार पैदा करता है और व्यक्ति के अंदर उन संजोगों में से जो व्यवस्थित शक्ति से संजोग मिलकर के और इसको जगत को चलाते हैं उसमें से हम भी एक संयोग है, हम भी एक संजोग हैं, हम भी एक निमित्त है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमको चाय बनानी है। अब आप देखिए, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, मसाला चाहिए, स्टोव चाहिए और उसको जलाने के लिए लाइटर चाहिए। जब सारी इतनी चीजें मिल जाती है तो सब मिलकर के जो है फिर हमें एक कप अच्छी चाय बनती है। उसमें से व्यक्ति कहे कि ये चाय मैंने बनाई या दूध कहे कि ये चाय मैंने बनाई तो कैसे संभव है? कितने संजोग मिले हैं, उन संजोगों में से इसको बनाने वाला एक संजोग है जिसको निमित्त कह सकते हैं, दूध एक संजोग है, पत्ती एक संजोग है। तो इसीलिए हमको कर्ता भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए और भगवान दादा भगवान ने कहा है कि जो कर्ता भाव रखता है सबसे बड़ा दुख का कारण और सबसे बड़ा अज्ञान यही है, इसको रॉन्ग बिलीफ कहा जाता है। इसलिए दादा भगवान के विज्ञान के अंदर रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ को प्राप्त करना है। राइट बिलीफ यह है कि व्यवस्थित शक्ति है, वही जगत का नियंता है, मैं जगत को चलाने वाला नहीं हूं या मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता भाव हमारे नहीं आना चाहिए, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा कषाय है, यही सबसे बड़ा राग द्वेष है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद। आप लगातार प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हैं, चैनल 24+ News को भी हमारे प्रति कृतज्ञता है कि उन्होंने ऐसा पुनरुत्थान कार्यक्रम हम सबके लिए दिया जो कि हमारे जीवन को नई दिशा देता है, नए नए सत्य उद्घाटित करता है और नई नई चीजों की हमें जानकारी मिलती है और इस तरीके से हमारा सबका जगत का कल्याण हो और आपको सुख मिले, आपको शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, आपके आनंद हो, आपके मंगल हो, आपका जीवन कामयाबी से भरा रहे, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।